गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा कि मैंने 3 दिन तक कुछ नहीं खाया। एक्चुअली मैंने 3 डे का जूस फास्ट करा था, ठीक है, जिसमें कि हमें सॉलिड कुछ भी नहीं खाना होता और वेजिटेबल 80% वेजिटेबल 20% फ्रूट्स का हमें जूस पीना होता है। तो मैंने 3 दिन जूस फास्ट किया। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये तुम्हारे दिमाग में आइडिया आया कहाँ से। तो एक दिन ऐसे मैं भी आपके जैसे बस यूट्यूब चला रही थी, तो मुझे एक चैनल रेकमेंड हुआ जिसका नाम था सात्विक मूवमेंट, और उन्होंने फास्टिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स गिना चाहिए। तो उन्होंने फास्टिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स बताए। मैंने बचपन से देखा भी था सबको फास्ट करते हुए, लेकिन कभी मैंने फास्ट किया नहीं था, और मेरी लाइफ में ऐसा एक दिन भी नहीं होगा कि जिसमें मैंने खाया नहीं होगा। मतलब ऑलमोस्ट यार, मैं अभी तक याद किया मैंने कि यार पिछले जितने साल से भी मैं हूँ, मैंने ऐसा दिन कब तक कि मैंने 3 दिन लगातार कुछ नहीं खाया हो, तो ऐसा मुझे एक भी दिन नहीं लगा। तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा चैलेंजिंग लगी, तो इसलिए मैंने ये 3 डेज जूस फास्ट का चैलेंज ले लिया। तो गाइस, आज है मेरा जूस फास्टिंग का फर्स्ट डे, और मैं सबसे पहले पीने जा रही हूँ। ऐश का जूस, यानी कि सफेद पेठे का जूस। बुरा नहीं है। यार अभी तो एक ही जूस पिया है, ऐश का जूस, पेठे का जूस, एंड आधा घंटा ही हुआ है वो जूस पी हुआ है, और मुझे अभी से ही भूख लग रही है। सच में यार, मतलब मुझे लग रहा है कि, और खाने के ख्याल आ रहे हैं, पिज्जा। ग्रीन जूस बन चुका है, पता नहीं यार टेस्ट में कैसा होगा। वाह यार, सो टेस्टी, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था। नाइस। वाओ, फर्स्ट डे पे मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी और नर्वस भी थी। एक्साइटेड इसलिए थी क्योंकि अलग अलग जूस पीने के लिए मिल रहे थे, और नर्वस इसलिए थी पता नहीं मैं ये कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। लेकिन बस ऐसे ही खानों की याद में हल्के सर दर्द और मीठे की क्रेविंग्स के साथ जैसे तैसे मेरा दिन बीता। आया डे टू पे जब मैं सो के उठी, तब भी मेरे को लाइट हेडेक था। तो मुझे लगा कि यार ये तो कल से हेडेक हो रहा है, अभी तक गया ही नहीं है, तो कोई जूस लेने के बाद मेरा हेडेक चला गया। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं फील हो रहा था कि
कि मैंने कुछ खाया नहीं है एक दिन से, है ना, मुझे कोई सॉलिड फूड खाना चाहिए, या फिर मुझे भूख लग रही है, या फिर मेरे में एनर्जी की कमी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं था। और डे टू पे मुझे जूस अच्छे लगने लगे और मैं ये जूस फास्ट बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। जैसे जैसे शाम हो रही थी मेरी बॉडी में एनर्जी लेवल बढ़ रहा था, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि चलो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करके देखते हैं कि मैं कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरा वर्कआउट पहले से भी ज़्यादा अच्छा हुआ। मेरा कॉन्सेंट्रेशन लेवल, एनर्जी लेवल और मेरा माइंड मसल कनेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से बन रहा था। ऐसे ही बहुत सारी एनर्जी के साथ डे टू ख़त्म हुआ और इंतज़ार था डे थ्री का। डे थ्री एंड ये मेरा फर्स्ट क्लास जूस था। 30 पे आने के बाद तो मुझे ये बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था कि मैंने खाना नहीं खाया, और खाने की याद तो मुझे बिल्कुल दूर दूर तक कहीं भी कहीं से कहीं तक खाने का कोई थॉट नहीं आ रहा था। और मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो तो 7वें आसमान पे था, क्योंकि यू नो चैलेंज कंप्लीट होने जा रहा था। और मुझे ये सोच के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि यार मैं खाना टू से बिना भी जिंदा रह सकती हूँ। मतलब ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि मैं खाना खाती रहूँ, मतलब कितना गलत कर रही थी मैं अपने शरीर के साथ। मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे उतना खाने की ज़रूरत नहीं है जितना मैं अपने बॉडी में ठूसते रहती हूँ। फिफ्थ क्लास एंड लास्ट क्लास डिटॉक्स टाइप का, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि मैंने ये चैलेंज 3rd डे तक आते आते कंप्लीट किया। और जैसे ये चैलेंज कंप्लीट हुआ, यार भाई साहब मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं क्या फील कर रही थी। तो फास्टिंग करने के मैंने बहुत सारे बेनिफिट्स फील किए। फर्स्ट थिंग तो मेरा जो वर्कआउट मैंने आपसे बताया कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग रहा, और 3rd डे आते आते मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो गई और मुझे बहुत ज़्यादा लाइट फील होने लगा, और मेरा वाटर वेट कम हुआ। वैसे वेट लॉस करना मेरा कोई मोटिव नहीं था कि मैं 3 दिन में वेट लॉस करूँ, ऐसा हो भी नहीं सकता कि 3 दिन में, मुझे नहीं लगता कि वेट लॉस हो सकता है। लेकिन हाँ, मैंने फील किया कि मेरी बॉडी का जो वाटर वेट था वो कम हुआ, और जो मेरा माइंड मसल कनेक्शन था वर्कआउट वो बहुत ज़्यादा अच्छे से हो रहा था, और मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो गई थी और बहुत ज़्यादा लाइट फील कर रही थी, एनर्जेटिक फील कर रही थी। बहुत ज़्यादा मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा। मैं फास्टिंग को अपनी डेली लाइफ रूटीन में इंक्लूड करूँगी, चाहे वीक में एक बार करूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस लगा। और नेक्स्ट टाइम शायद मैं 5 डेज का जूस चैलेंज करूँ, वो भी अगर मैंने करा तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये 3 दिन के जूस फास्ट से मैंने एक चीज़ सीखी कि कभी कभी क्या होता है कि हम बिना कुछ करे ही किसी चीज़ को सोच के हम हार मान लेते हैं कि यार हमसे नहीं होगा। तो मैंने ये चीज़ सीखी कि हमें सोच कर सुन कर ही कभी हार नहीं मान लेनी चाहिए,
उस चीज को ट्राई करना चाहिए, फिर देखना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अपनी कैपेबिलिटीज का हमें खुद भी नहीं पता होता, लेकिन हम सोच कर ही सुन कर ही हार मान लेते हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हम जिंदगी में कर ही नहीं पाते। शायद अगर मैं भी हार मान लेती, सोच लेती कि यार ये जूस पास मेरे से होगा ही नहीं, सोच ही यही रहती कि होगा ही नहीं, ट्राई नहीं करती, तो मैं इतना अच्छा जो मैं आज एक्सपीरियंस कर रही हूँ ऐसा एक्सपीरियंस मैं नहीं कर पाती। अब ये मत सोचना कि 3D जूस पास कंप्लीट कर लिया है तो ज्ञान बांट रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मैंने जो फील किया, थॉट आया मेरे दिमाग में, मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो बस इसीलिए आपके साथ कर रही हूँ शेयर। बाकी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। और अगर नहीं भी पसंद आई है तो भी शेयर कर देना। तो बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैलेंज के साथ। ये कुत्ता किसका भौंक रहा है?